दोस्त अगर फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आज आपको अपने न्यूज कार्यक्रम में कई हिस्से प्रस्तुत कर रहे हैं। आरजेडी कार्यालय को मीडिया कर्मियों ने अचानक घेर लिया, कुछ खबर ही ऐसी थी। और जदयू में मच गया है घमासान, बहन मायावती जी ने जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा उस पर क्या बोली, और उत्तर प्रदेश में चीरहरण कहां पर हुआ, और महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ किस प्रकार का जुल्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश की घटना है। तो मैं एक एक करके सारे चीज बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, कासगंज में एक महिला पुलिसकर्मी सुसाइड करने की कोशिश की, उन्हीं के थाने के एसएचओ उनके ऊपर जो है जुल्म करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, ये उनका आरोप है। ये कासगंज उत्तर प्रदेश की घटना है। और उत्तर प्रदेश में सपा के एक महिला कार्यकर्ता को जब नामांकन करने गई ब्लॉक प्रमुख के लिए, तो उनकी साड़ी खोल दी गई, ब्लाउज फाड़ दिए गए। आपने महाभारत में जो देखा होगा चीरहरण, उससे ज़्यादा बदतर, क्योंकि महाभारत में एक ही दुशासन था, लेकिन यहाँ पर कई दुशासन उसको घेर रखे थे और कपड़े फाड़ रहे थे। ये दृश्य आया है उत्तर प्रदेश से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में। बहन मायावती जी ने कहा कि जैसा सपा की मनोवृत्ति थी, जैसा गुंडा राज था सपा के शासनकाल में, वैसा ही भाजपा का है, दोनों एक जैसे ही हैं, और इसलिए ये ब्लॉक प्रमुख का जो पद है, पंचायत अध्यक्ष का जो पद है, ऐसे चुनाव में बसपा भाग नहीं लेती, और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज तो चरम पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बिहार की राजनीति देखते हैं, तो आज अचानक जो है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को घेर लिया गया मीडिया कर्मियों के द्वारा। खबर इस प्रकार से निकल कर आई, एक फेक न्यूज था कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष के पद से। जब मीडिया कर्मी उनके कार्यालय में गए, पूछताछ किया, तो जगदा बाबू ये कहते हैं कि हम तो अपने कुर्सी पर बैठे हुए, हम तो कहीं नहीं गए, आपको खबर किसने दे दी, और ये खबर फैला दी गई थी। उधर जदयू कार्यालय में घमासान इसलिए है कि संजय सिंह को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। दो नाम गए थे केंद्र में मंत्री पद के लिए, ललन सिंह और आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, बाय कास्ट वो कुर्मी हैं, और उनको मंत्री बनाया गया, ललन सिंह को नहीं बनाया गया। जो जदयू के अंदर अब दो फार होने की संभावना बन रही है, गुटबाजी शुरू हो गई है, मामला काफी गर्म हो गया है, और आरजेडी के नेता इन तमाम चीजों को देख रहे हैं बारीकी से, अपना अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। रही बात ये, एक कहावत है, किसी घर को अगर अंधेरा करना हो तो बगल वाले रूम में इतनी प्रकाश कर दो, इतना उजाला कर दो, वो अपने आप अंधेरा हो जाएगा। कहीं बीजेपी की ये चाल तो नहीं कि जदयू को दो फार कर दिया जाए, और नीतीश कुमार जी ठगे के ठगे रह गए, क्योंकि दो सीट में एक तो पशुपति पारस ले गए और एक आरसीपी सिंह ले गए, तो ललन सिंह वंचित रह गए। मीडिया सवाल भी करती है, मीडिया ये जानना भी चाहती है आखिर वह क्या कारण था कि आरसीपी सिंह मंत्री बने और ललन सिंह रह गए। रही बात ये, केंद्रीय राजनीति में जो मोदी सरकार है, वहां पर जब से ये मंत्री बनाए गए हैं, नए नए मंत्री बनाए गए हैं, वो तमाम जिम्मेदारियां लेकर बैठे हैं। और रही बात ये कि कल से बयान आ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अगर ट्विटर आईटी एक्ट को नहीं मानती है तो केंद्र सरकार को यह हक है, भारत सरकार को यह हक है, वो कोई भी कार्रवाई कर सकती है। कई वर्षों के बाद आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि चिराग पासवान जी
अचानक अपने लोजपा कार्यकर्ता के घर पर पहुंच जाते हैं बगैर बताए, और पहुंचते ही नहीं हैं उसके किचन से निकालकर खाना खाने लग जाते हैं। पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान जो जुलूस होती है वो तो होती ही है, अचानक किसी झोपड़ी को देखना, किसी घर को देखना, वहाँ पर पहुँच जाना, लोगों के बीच घुल मिल जाना, अगर ऐसा रहा तो पूरे बिहार में चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पूर्णतः उत्तराधिकारी बन जाएंगे, और जो बागी लोग हैं वो बहुत दूर फेंका जाएंगे, क्योंकि लोगों को दूसरा रामविलास पासवान नजर आने लग जाएगा। क्योंकि जब किसी के गरीब के घर में घुसते हैं और उसके साथ जब खाने लगते हैं, गले मिलने लग जाते हैं, ऐसा नेता फिलहाल तो दिखता नहीं है। हर जगह आईटी की तरह जो है मतलब नेता बन रहे हैं, डिजिटल नेता बन रहे हैं, लोग जो है वर्चुअल बातें करते हैं, वहाँ पर किसी के झोपड़ी में जाकर उसके किचन में जो है खाना खाने लगना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से आशीर्वाद लेना, और चुनाव का कोई मौसम नहीं, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, चिराग पासवान अपनी बेस तैयार कर रहे हैं, और ऐसा ही मजबूत बन गया बेस तो यह कहा जा सकता है कि दूसरा रामविलास पासवान ये बन सकते हैं। इस तरह की जो है खबरें आ रही है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह खबर सुनी सुनाई नहीं है, आंखों देखी है। अब रही बात ये बिहार की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तरह तरह के जो है मतलब लाछन लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं और ओवैसी जी हैं, इन लोगों का डीएनए एक समान है, इस तरह के जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अभी चुनाव नज़दीक आती जा रही है, इनके जो है शब्द खतरनाक हो जाएंगे, इनके शब्द जो है बेकार से हो जाएंगे, असंसदीय हो जाएंगे, असंवैधानिक हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाएंगे तरह तरह के। और जो सपा का आरोप है, जो सपा के कार्यकर्ता महिला का जो आरोप है, वह आरोप भी गलत नहीं है, ऐसा देखने को पाया गया है कि भाजपा पूरी तरह से गुंडागर्दी के दम पर ब्लॉक प्रमुख बनाने जा रही है जबरदस्ती। और रही बात ये जो पुलिसिया स्टाइल है, और तो और थानेदार अब वहां के जीते हुए प्रधान की प्रधानी निकालने की धमकी देते हैं, और इस तरह के भी वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखकर लगता नहीं है कि वहां पर कोई लोकतंत्र है, बिहार बाढ़ से त्रस्त है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।